चारपूछ का चूहा। प्यारे बच्चों, एक चूहा था। उस चूहे की 7 पूछे थी। सब उसे चिढ़ाते थे, 7 पूछ का चूहा, 7 पूछ का चूहा। तंग आकर चूहा नाई के पास गया। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूछ काट दो। नाई ने चूहे की एक पूछ काट दी। अब उसके पास बची 6 पूछ। अगले दिन जब चूहा अपने घर से बाहर निकला तो सब उसकी 6 पूछ देखकर उसे फिर चढ़ाने लगे। 6 पूछ का चूहा, 6 पूछ का चूहा। चूहा फिर परेशान हो गया। वह फिर से नाई के पास गया और उसने कहा, नाई, मेरी एक और पूछ काट दो। नाई ने फिर एक पूछ काट दी। फिर क्या था, चूहे के पास अब 5 पूछ बची थी। चूहा फिर अपने घर से जब बाहर निकला तब लोगों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया कि 5 पूछ का चूहा, 5 पूछ का चूहा। इस तरह से चूहा बहुत ही नाराज हुआ। वह फिर से नाई के पास गया। उसने एक और पूछ कटा दी। इस तरह से उसके गांव वाले उसे चिढ़ाते रहे। लास्ट में चूहे की जब एक पूछ बची तब चूहा घर से बाहर निकला, तब गांव वालों ने उसे फिर चिढ़ाया कि एक पूछ का चूहा, एक पूछ का चूहा। चूहे ने तंग आकर अपनी वो भी पूछ कटवा डाली। अब चूहा बिना पूछ का था। अब इस बार चूहा जो अपने घर से बाहर निकला फिर भी लोगों ने कह दिया कि बिना पूछ का चूहा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी के बहकावे में अपना अनर्थ ना करें।